हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर एक साथ में दिए हो तो उन्हें किस तरह से सॉल्व किया जाता है, और नंबर हमने इस तरह के लिए हैं, अगर सिंपल नंबर हो तो उसका गुणा और भाग कैसे करेंगे, अगर नंबर बटे के रूप में लिखा हो तो उसका गुणा भाग कैसे करेंगे, और अगर मिश्रित भिन्न में इस तरह के नंबर में लिखा हो तो इसका गुणा और भाग किस तरह से करेंगे, ये सब सीखना चाहते हैं। तो इसके लिए मैंने आपके लिए तीन एग्जाम्पल लिए हैं, इन तीनों एग्जाम्पल से आप बेहतर तरह से सीख जाएंगे। तो आइए पहले एग्जाम्पल को देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है और इसमें हम सीखेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड किस तरह से करें अगर नंबर में एक साथ दिए हों तो। लेकिन इसे करने से पहले आपको एक बात यह भी मालूम होनी चाहिए कि क्या तरीका है इसे सॉल्व करने का, तो पहले वो जान लीजिए। अगर आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड एक साथ में कुछ भी दिया हो तो सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना है, ये बात आप ध्यान रखिए। सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व किया जाता है, यहां मल्टीप्लाई भी दिया है, अगर आप पहले मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर हमेशा गलत आएगा। तो पहले आपको डिवाइड सॉल्व करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई सॉल्व करना है, उसके बाद जोड़ना है नंबरों को अगर है जोड़ तो, और लास्ट में आपको माइनस करना है यानी घटाना है। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले डिवाइड है, तो सबसे पहले डिवाइड हम सॉल्व करेंगे। यहाँ 3 × 4 × 3 डिवाइड 2 लिखा है, तो डिवाइड को सॉल्व करना है। डिवाइड यहां से हटाएंगे तो 2 3 के नीचे बटे में इस तरह से आ जाएगा। डिवाइड का काम खत्म हो गया, पहला स्टेप हमारा हो गया। दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, नीचे वाले नंबर से ऊपर वाला नंबर कोई भी कट सकता है, तो काट देंगे एक ही पहाड़े से। यहाँ पे देखिए 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 2 × 1 = 2 कट गया, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 2 × 2 = 4 ये भी कट गया। तो ऊपर बचा 2 × 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 × 3 = 6 और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अगला एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है, अब इसे देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपको ये तो पता चल ही गया है कि पहले क्या सॉल्व किया जाता है, पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद अगर जोड़ है तो जोड़ेंगे, और लास्ट में आपको घटाना होता है। तो जोड़ और घटाना इसमें दिया नहीं है, डिवाइड और मल्टीप्लाई दिया है। तो सबसे पहले डिवाइड को हमें सॉल्व करना है, तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 6/4 है वो वैसे ही लिख देंगे। यहाँ डिवाइड है तो कैसे करेंगे, पहले वाले सवाल में सिर्फ एक नंबर लिखा था तो हमने उसको नीचे लिख दिया, लेकिन यहाँ बटे के रूप में नंबर लिखा है तो कैसे लिखेंगे। अगर बटे के रूप में नंबर लिखा है तो डिवाइड के निशान को आप अपने मन से मल्टीप्लाई में चेंज कर दीजिए, और जैसे ही मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसके बाद में जो नंबर लिखा है बटे के रूप में उसको पलट कर लिख दिया जाता है। जैसे 3/2 है तो इसको 2/3 कर दीजिए, तब आपका एकदम सही आंसर आएगा, और यही सही तरीका है इसे सॉल्व करने का। उसके बाद क्या लिखा है, मल्टीप्लाई 5/2, ये वैसे ही लिख देंगे, इतना काम हो गया, मल्टीप्लाई आ गया, डिवाइड का यहाँ पे काम खत्म हो चुका है। अब आपको क्या करना है, नीचे वाले किसी भी नंबर से ऊपर वाला कोई भी नंबर कट सकता है तो काट दीजिए, या ऊपर वाले किसी भी नंबर से नीचे वाला कोई नंबर कट सकता है तो अभी आप काट दीजिए, मगर एक ही पहाड़े से, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए 2 × 2 = 2 ये कट गया, इसको काटेंगे 3 × 3 और 3 × 2 = 6 ये भी कट गया, इसको काटेंगे 2 × 2 = 4 ये कट गया, ऊपर यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 5 बचा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1 आएगा, 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट 5 आ जाएगा। नीचे क्या बचा है, यहाँ पे 2 है, 1 है, 1 है, इन 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 2 ही आएगा, तो 5/2 आ गया, यही आपका आंसर होगा 5/2। तो इस तरह से आप बटे वाले डिवाइड या मल्टीप्लाई को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो का लास्ट एग्जांपल जिसमें आपको मिश्रित भिन्न का डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई कैसे करें ये आप सीखेंगे, तो आइए देखते हैं इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे नंबर लिखा है 2 सही 5/3, इस तरह से पढ़ा जाता है, डिवाइड 3 सही 2/6, इस तरह से आप पढ़ेंगे। पहले इस नंबर को हम बटे के रूप में सिंपल भिन्न में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे ये देखिए, इसको लिखने का तरीका ये है कि जो नीचे नंबर लिखा है इसका इसमें गुणा करिए यानी मल्टीप्लाई करिए, जितना भी आए उसमें ऊपर वाला नंबर जोड़ दीजिए। देखिए 2 × 3 × 2 × 3 = 6 होता है, 6 आ गया, अब 6 में ऊपर वाला नंबर जोड़ दीजिए 5, तो 6 और 5 मिला के कितना हो गया, 6 और 5 जब जोड़ेंगे तो 11 आएगा, तो 11 यहां पर इस तरह से लिख देंगे, और नीचे जो नंबर था बटे में वो वैसे ही लिख देंगे। तो इस नंबर को इस तरह से हम बदलकर इस तरह से लिख देंगे, उसके बाद डिवाइड है तो डिवाइड का निशान लगाएंगे, फिर इसको भी सिंपल भिन्न में बदलेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसमें ऊपर वाला नंबर जोड़ देंगे, 6 × 3 = 18, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 होगा, 20/6 जो नीचे नंबर है वो वैसे ही लिख देंगे। अब अगले स्टेप में आपको डिवाइड को कैंसिल करना है, तो कैसे करेंगे, 11/3 है, डिवाइड हटाएंगे तो मल्टीप्लाई लगाएंगे, जैसे ही मल्टीप्लाई आएगा उसके बाद वाला नंबर पलट जाता है, यानी 20/6 है तो 6/20 इस तरह से हो जाएगा। अब ऊपर वाले किसी भी नंबर से नीचे वाला नंबर या नीचे वाले किसी भी नंबर से ऊपर वाला कोई भी नंबर कट सकता है तो काट दीजिए, देखिए हम काटेंगे
थ्री वन या थ्री, इसको काटेंगे थ्री टू जा सिक्स कट गया, यहाँ पे काटेंगे टू वन जा टू, यहाँ पे टू वन जा टू और जीरो ऐसे आ जाएगा। ऊपर क्या बचा, इलेवन, यहाँ पे वन, तो वन का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इलेवन ही आएगा, यहाँ पे वन है यहाँ टेन है, टेन का वन मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन ही आएगा। तो आपने देखा कि इससे हमने सॉल्व किया तो 11/10 इसका आंसर आ गया। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल हो या आप कोई सवाल सॉल्व ना कर पा रहे हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं फिर हाजिर हूँगा किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए जैक सर के साथ।